हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हो तो थैंक यू सो मच आज मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगी सेमेस्टर वन ही कवर करूंगी अगर आप सेमेस्टर टू सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर फोर्थ चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ यहाँ पर आपका यही मेन क्वेश्चन होता है कमेंट्स में आप यही पूछते हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हो तो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बिकॉज मेरी पंजाबी यूनिवर्सिटी थी एंड मैं उन टॉपिक्स को कवर करती हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं फुल सिलेबस नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं रिपीट में आते हैं सेकेंडली मैं वो चीज़ को फॉलो करती हूँ जो हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है तो आप ये ना सोचें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सिलेबस के साथ मैच कर सकते हैं अभी हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एंड कौन से टॉपिक्स आपके भी यूनिवर्सिटी में है तो यूनिट वन में भी सेपर थ्योरी होती है ठीक है डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बाद यूनिट टू में लिमिटेशन ऑफ किस्ट्रोफिल थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड में स्टेप वाइज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है पीएच एच इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोफाइल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लेबल एंड इनर्ट जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है यूनिट फोर्थ में तो सारी की सारी यूनिट फोर्थ ही इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीन रख सकते हैं बट मोस्टली जो है वो मार्कस हज थ्योरी इनर एंड आउटर स्पेयर रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म दे रही हूँ जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स का जो मैंने खुद अपने टाइम पर बनाया था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में इम्पॉर्टेंट है हेमेट इक्वेशन ठीक है क्राउन इथर क्रिप्टानस इंक्लूजन कंपाउंड एनोलिन एजुलींस ठीक है तो लास्ट में मैं आपको डी जैसे इनऑर्गेनिक का प्रोवाइड किया वैसे ऑर्गेनिक का भी दे दूंगी स्टीडियो केमिस्ट्री सारी भी पूछी जाती है ऐसे ऑनोमेटिक में जो होते हैं मोस्टली अरेनियम आयर मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है डाइजोनियम कपलिंग विज्मी रिएक्शन, सो नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही होती हैं, ठीक है ठीके? कोई भी पूछी जा सकती है तो आप सारी ही करके जाइएगा वो एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी पूछ सकता है ऐसे नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक करके जाओ आपने सारी की सारी ही कवर करनी होती है उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पक्का ही करके जाने हैं एंड उसका पी फॉर्म आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने करके ही जाने हैं पक्का तो वो आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है इसका पीडीएफ फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा नोट्स एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है ठीक है वो भी अपने करके जाने हैं क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें यूनिट वन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट टू में आप सेल लैडर ऑपरेटर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हक्कल थ्योरी पक्का ही पूछी जाएगी जैसे कि आप देखोगे ना अपना टी वी से क्वेश्चन पेपर उठाकर तो आपसे जरूर पूछेंगे थर्मोडाइनमिक्स में एक्टिविटी कॉफिशेंट डिबे हकल थ्योरी पार्शियल मॉलल प्रॉपर्टीज़ ठीक है उसके बाद थ्री फेस कंपोनेंट वाला क्वेश्चन मेरे केस में आया था आपके भी केस में वो आ सकता है बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल उसके बाद है माइक्रो कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल एंड एग्जैम्बल एवरेज उसके बाद यूनिट फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें पार्टी हर फंक्शन आते हैं जिसमें आपसे रोटेशनल ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको सारे ही करने होते हैं एग्जामिनर uh, कुछ भी पूछ सकता है आप अब देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड बाकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको कोई भी क्वेरी है वो भी आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट है मैथमेटिक और केमिस्ट्री जिसमें यूनिट वन में वैक्टर मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है एंड यूनिट टू में डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा गया है तो जो बायो से रिलेटेड पीछे से बैकग्राउंड है जिनका जैसे मेरा बायो का बैकग्राउंड था तो मुझे एम में मैथ आया तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो मैंने डेफिनेशनस कवर की थी इसमें थोरेटिकल तो पार्ट्स मोस्टली कवर किया था एंड जो जो टॉपिक्स ईजी थे वो मैंने कवर किया है उसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी आप देख लेना कि मैथेमेटिक में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको मैथेमेटिक के भी नोट्स चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वहाँ पर आपको एम केमिस्ट्री का सारा मटीरियल मिल जाएगा जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड रिमेंबर प्रॉबीबिलिटी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एंड ईजी टॉपिक है मैथेमेटिक में तो आप प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी स्किप मत करना प्रोबेबिलिटी से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड पासिंग मार्क्स से अबव ले सकते हो बायो के भी मैंने टॉपिक शेयर किए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इसकी भी एक बुक है अगर आप चाहते हो कि आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हो है या हैंड रिटर नोट्स फॉलो करना चाहते हो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में आपको दे दूँगी ठीक है तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा बायो तो डिफ़िकल्ट होगा ही बट कोई बात नहीं हम कर लेंगे थैंक यू